इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। खबर है बिहार के बेगूसराय जिला से, जहां 69वीं बीपीएससी व 32वीं बिहार न्यायिक परीक्षा में सफल 15 अभ्यर्थियों के लिए कारगिल विजय भवन सभागार में जिलाधिकारी तुषार सिंगला के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी ने मेहनत कर इस मुकाम को हासिल किया है, आप सभी बिहार के उज्जवल भविष्य निर्माण में अपना अपना योगदान देंगे, आप सभी के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको लोगों के बीच बने रहकर सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं को उन तक पहुंचाने में आपका अहम योगदान होगा। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं से अवगत होकर उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करने की बात भी कही। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईपीएस अधिकारी साक्षी कुमारी ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि आपके अधिकारी बनने के दौरान जो भी बातें लगती होगी कि यहाँ कुछ अच्छा किया जा सकता है, तो आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर इसमें अच्छा कर सकते हैं। वहीं देखिए, जब मीडिया से रूबरू हुए तो क्या कुछ कहा। बीपीएससी के रिजल्ट में जो बेगूसराय जिला के जितने भी हमारे अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, जो कि बीपीएससी जुडिशियल सर्विस में और हमारी सिविल सर्विसेज में, पुलिस सर्विस में, उन सबका सम्मान समारोह किया गया है। इस साल लगभग 360 के अराउंड टोटल सीट्स में से बेगूसराय के 15 स्टूडेंट्स हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं। तो पिछले साल से रेशियो बेहतर है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में और भी बच्चे बेगूसराय से सिलेक्ट हों, और सबको हम यही इनके लिए शुभकामना करेंगे कि अपनी जॉब अच्छे से करें, अपनी सेवा में जब ज्वाइनिंग करेंगे और बिहार की प्रगति में योगदान दें। जैसे हम पहले वहाँ पे थे और आज हम यहाँ पे हैं, वो भी कल यहाँ पे होंगे, और ये हमारे लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है। आगे अच्छे से काम करें और बिल्कुल मन लगा के काम करें, बस यही हम लोग चाहते हैं आने वाले ऑफिसर्स के द्वारा, और सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। प्रत्येक वर्ष जो बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनते हैं उनको जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक वर्ष सम्मानित किया जाता है। ये शुरुआत 63वीं बीपीएससी से किया गया। कितने विद्यार्थी से इस सम्मान समारोह से बेगूसराय जिला के अन्य प्रतिभागी जितने जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सम्मान समारोह से प्रेरणा मिले, इसी उद्देश्य को लेकर यह सम्मान समारोह प्रत्येक वर्ष का है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।